स्पिरिचुअलिटी के लिए गुरु कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? क्या बिना गुरु के हम लोग उस पाथ पे चल सकते हैं या आपको गुरु चाहिए ही चाहिए? बोलते तो हैं हठ योग है, ये दूसरे योग हैं, तुम कर सकते हो, तुम सातों चक्रों पे मेहनत करके भी चल सकते हो। मेरे अनुभव से जो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिलारोपा, बुल्ले शाह और अमीर खुसरो, जी ये टॉप मोस्ट शिष्य हुए हैं जिनको मैं चाहती थी कि मेरे साथ भी गुरु ऐसा करें और मैं ऐसा बनूं। ओके ये परीक्षाएं होती हैं और डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल तक हो, तुम्हारे साथ वैसी परीक्षा होगी। जी तो गुरु का होना जो है, आप कुकिंग सीख रहे हो तो भी गुरु चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो भी टीचर चाहिए। तो इस रास्ते में लोग सोचते नहीं हो जाएगा, वो फिर अभी हठ जो करे कुछ करे। मैं नहीं मानती, मैं मानूंगी कि एक दिन, एक जन्म आएगा ही आएगा जब गुरु तुम्हारी डायरेक्ट तुम्हारे से पूरा परखेगा। यूनिवर्स परखता है हमें आगे जाने के लिए। तो उसके बीच में जब पास हो जाते हो तो फिर तुम्हारा आगे का जीवन, तो आवागमन खत्म होता है। आपने बोला कि परीक्षाएं होती है, आपके साथ भी हुआ कुछ ऐसा? हो अनलिमिटेड, क्या बताऊँ। जैसे लेकिन छोटी छोटी होती, मैं सत्संग जा रही हूँ, मुझे, मैं बच्चों को पान टिफिन भी बना के स्कूल भेज के भाग रही हूँ, लेकिन उधर कोई मेरे को देख नहीं रहा है क्योंकि मैं दूर ही बैठ रही हूँ, दूर से उठ के मुझे वापिस आना है। तो कौन मुझे पसंद करता? जी तो उसमें सोचेगी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई बड़ी अहंकार वाली कोई आई है हमारे पास, अंदर में मैं हूँ नहीं, लेकिन करूँ क्या। संडे संडे मैं बिल्कुल दीदी के पास बैठती थी सो दैट मुझे अंदर से खुशी हो रही है और मौका नहीं मिल रहा है। तो इधर भी परीक्षाएं हो रही थी, सेवा कोई नहीं दी जाती थी क्योंकि ये तो इन्वॉल्व भी नहीं है। आखिरकार अंदर से इतना रोना आता था, एक दिन ऐसी परीक्षा हुई जबरदस्त कि कैसे? मैं कार लेके जाती थी तो उसमें वो सुन नहीं सकती थी माता, जो बड़ी बुजुर्ग थी, जी मुझे नहीं पता था ये सुन नहीं सकती, मैं तो अपने राइट रास्ते पे चल रही हूँ। उनका छोटी फिंगर में मेरा टायर टच कर गया। अच्छा उस समय तो मैं ऑर्डिनरी लोगों की तरह गुस्सा तो कर गई, लेकिन बाद में गुरु की परीक्षा समझी थी लेटर, उसमें क्रिमिनल केस जैसा बना दिया गया, अच्छा हुआ कुछ नहीं। लेकिन मेरा ये गुरु की परीक्षा थी कि ये अपने घर वालों की सहायता लेती है जहाँ मेरे पे विश्वास है, तो मेरा 100% विश्वास था, जबकि मैं मिली भी नहीं हूँ इतना उनको, जी और सिर्फ लेटर लिख दिए उनको जाके कि ऐसे ऐसे हुआ है और बताइए क्या करूँ। उधर केस बंद हो गया। अच्छा तब मैंने देखा ये गुरु की परीक्षा है। मैं परखी गई कि घर में जो लोग हैं उनको नहीं बताया, उन लोगों ने FIR करी, हमने नहीं करी। तो इन परीक्षाओं से गुजर के, ये तो सबसे बड़ी थी ना, ये तो जी सोचा भी नहीं था। और मैं तो भागी उस समय, कोई और मेरे पास सत्संगी कनेक्शन नहीं थे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भाग रही हूँ, ये क्या हो रहा है, सेवा सिमरन सत्संग। मैंने सिर्फ रोना कि सेवा सिमरन सत्संग मेरी जिंदगी में क्यों, हर कोई जा रहा है, मेरे साथ क्यों। तो एस्ट्रोलॉजर तो बोले जी कोई राहु जा रहे थे, ऐसा हुआ था, वो थोड़ी छोटी सोच थी। धीरे धीरे जब पता चला कि इतनी बड़ी परीक्षा थी मेरी, और कोई को छोड़ के बैठ जाता तो मेरे से ये कौन था जो अंदर से नहीं करवा रहा, छुड़ा नहीं रहा था। मैं जी तो बदनामी दे देती, लोग कितना कितना बदनामी देते हैं, ये सब नहीं हुआ और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ।